नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है गार्लिक फ्लेवर क्रिस्पी आलू। ये आलू में मैं गार्लिक डाल रही हूँ, और वो भी मैं कम नहीं डाल रही हूँ, लगभग 10 से 12 कलियाँ डाल रही हूँ, जिससे गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आलू में। और मैं इसे क्रिस्पी बनाऊँगी, धीमी आँच पे अच्छे से भूनूंगी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गार्लिक के साथ आलू का। तो इसके लिए मैंने लगभग 2 से 3 बड़े आलू लिए हैं, जिसे लंबाई में मैंने काटा हुआ और थोड़ा सा मोटा मोटा काटा हुआ है। और मोटा इसलिए काटा है कि ये आलू जल्दी से पक जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसे मोटा काटा हुआ है। और तड़का लगा रही हूँ मैं सरसों के तेल में, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं धनिया पाउडर डालूंगी लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच। तड़के के लिए जीरा है, 2 से 3 सूखी मिर्ची ली है। मैं पाउडर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और आधा छोटा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। तो शुरू करते हैं गार्लिक आलू बनाना। तो सबसे पहले मैंने जो गार्लिक लिए हुए हैं, इसे छील लिया अच्छे से। अब मैं इसे थोड़ा सा क्रश करूंगी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे एक या दो ले लेती हूँ पहले, और इसे कूट लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने कूट लिया है, और इसे रखते जाऊंगी मैं। ये देखिए, इस तरह से कूट लूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से कूटते जाऊंगी मैं लहसुन को। इस तरह से सभी मैं लहसुन कूट लेती हूँ। तो शुरू करते हैं गार्लिक आलू बनाना। ये देखिए, मैंने ये गार्लिक अच्छे से क्रश कर लिया, कूट लिया है। और मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई भी रख दी है गैस पर, गैस ऑन कर दिया। अब मैं सरसों का तेल डाल दूंगी कढ़ाई में, तेल गरम होने देती हूँ। सरसों का तेल गरम होने लगा, अभी पूरी तरह गरम नहीं हुआ है, तो मैं इसमें गार्लिक पहले डाल रही हूँ, ताकि जैसे तेल गरम होते जाएगा तो लहसुन भी उसके साथ में अच्छे से भुनेगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं पहले जीरा भी डाल देती हूँ, और साथ ही मैं गार्लिक भी डाल देती हूँ, और इसे धीमी आंच पे होने देती हूँ। तेल भी गर्म होगा और लहसुन भी भुनेगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए गार्लिक कितना अच्छा भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छा क्रिस्पी सा दिखाई दे रहा है ये। और आंच मैंने धीमी ही रखी थी, तो अब मैं इसमें ये साबुत मिर्च डाल देती हूँ, तोड़ के डाल रही हूँ मैं। और आंच अभी भी धीमे ही रखना है, चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें धनिया पाउडर और हल्दी भी डाल रही हूँ। दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, और थोड़ा सा चलाते हुए इसे भून लूंगी। और आंच कम ही रखी है मैंने। ये देखिए, मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू आने लगी गार्लिक की बहुत ही अच्छी। धनिया भी अच्छे से भून रहा है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आलू मसाले के साथ में। अब मैं इसे ढक दूंगी, और ढकने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि ये आलू जल्दी पक रहे हैं। अगर ढक के पकाऊंगी तो चूरा होने लगेंगे, और मुझे क्रिस्पी बनाने हैं तो मैं बिना ढके ही पकाऊंगी, और बीच बीच में देखती रहूंगी। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी और इसे बिना ढके ही पकाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे क्रिस्पी बनाना है। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और इसी तरह बीच बीच में देखते रहना होगा, मिक्स करते जाना होगा, और ऐसे फैलाते जाएंगे ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। और आंच इसकी मीडियम ही रखूँगी, देखिए इस तरह से पकने दूँगी।
और इसे ढकना नहीं है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है आलू को पकते हुए और इसे मैं धीमी आंच पे ये पका रही हूँ। तो एक बार इसे फिर से पलट देती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी होने लगे हैं, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो मैं इसको पलट देती हूँ। ये आलू की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ठंड के दिनों में आप इसे बना के खाइए, इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से और फैला दूंगी और इसे पकने दूंगी। आलू जल्दी पक रहे हैं इसलिए मैं खुला ही पका रही हूँ बिना ढके। देखिए अब मैं फिर से इसे पकने देती हूँ और ये देखिए आलू पकने लगे हैं, दब रहा है ये आलू। थोड़ा सा और क्रिस्पी करती हूँ। लगभग 4 से 5 मिनट में आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी गार्लिक फ्लेवर वाली। थोड़ा सा और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसे और धीमी आँच पे पकने दीजिए। धीमी आँच पे आलू को पकते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो चुका है। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। और क्रिस्पी आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है। आलू खाने के लिए तैयार है। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म क्रिस्पी गार्लिक आलू तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी पराठा पूड़ी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।